हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जो हमेशा हम लोग अपने बड़ों से या फिर हमारे जो बुजुर्ग होते हैं हम उन लोगों से सुनते रहते हैं। एंड आजकल के साइंटिफिक जमाना या फिर हम लोग आज का बोलेंगे जो कलयुग है, हम इनमें इस चीजों को मानते नहीं है। तो आपने सुना होगा कि ऐसा करो ऐसा मत करो, सोमवार है ये मत करो, शनिवार है वो मत करो, रविवार है ये मत करो। तो ऐसे में आज आपके साथ पांच चीजें शेयर करने वाली हूँ जो हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, बट एक्चुअली उसका साइंटिफिक रीजन क्या है उसके पीछे। सुपरस्टिशंस तो कुछ नहीं है एक्चुअली, हम बिकॉज क्या होता है पहले के जमाने में उसके लिए उसके ऊपर इतना स्टडी नहीं हुआ था, सो लोगों का उसका साइंटिफिक रीजन बिल्कुल भी नहीं पता था। बट आजकल के जमाने में जिसमें हम लोग आज इतने आगे बढ़ गए हैं, इतना सब कुछ हमें पता है, तो उन सब चीजों के पीछे एक्चुअल क्या रीजन है आज मैं आपको उन पांच ऐसी चीजों को मैंने ढूंढ के निकाला है। लाइक वो जो बेसिक चीजें हैं उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूंगी, एंड उसके पीछे का सुपरस्टिशियस व्यू एंड साइंटिफिकल व्यू, मैं दोनों साइंटिफिक व्यू मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट जो पॉइंट है मेरा, फर्स्ट पॉइंट वो ऐसा है कि पहले जो हम लोग झूठे बर्तन, मतलब हम लोग जो बर्तन वगैरह रखते हैं, झूठे बर्तन रखते हैं, जैसे हमने रात को खाना खाया, रात को खाना खाने के बाद हम लोग पूरे दिन भर का काम करके थक जाते हैं, तो हमारी जो मेड होती है वो नेक्स्ट डे आने वाली होती है, या फिर अगर किसी के घर में मेड नहीं है तो वो पूरा दिन भर काम करके थक जाती है, तो रात को खाना बना के खाना खत्म करके फिर क्लीनिंग में लग जाए, तो नॉर्मल बेसिक क्लीनिंग कर दिया, बर्तन वगैरह सुबह कर सकती है। तो ऐसे लोगों के अपने अपने घर के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो लोगों का मानना था कि बर्तन को ऐसे झूठा ना रखे, सूखा ना रखे, और उसको उसी तरह क्लीन कर ले, या फिर उसके ऊपर पानी वगैरह डाल ले, या फिर उसको उसी वक्त क्लीन कर ले। तो आजकल की इतनी भागदौड़ की दुनिया में, इतने भागदौड़ की जिंदगी में एक्चुअली ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। बट पहले क्या क्यों ऐसा बोला जाता था, क्योंकि पहले एक्चुअल में सही में लोगों के जो खाने के तरीके थे या फिर लोगों के जो रूटीन का जो तरीका था वो इतना अलग था। लाइक आजकल के लोगों में, आज हम लोग आउटिंग्स को जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो हमें बाहर से आने में ही 11-12 बज जाते हैं, बट पहले ये सब चीजें नहीं होती थी। तो एक्चुअल में क्या होता था कि लोगों का जो खाना वगैरह, रात का खाना वगैरह, वो 8-1 बजे तक हो जाता था, तो उस टाइम घड़ी वगैरह भी नहीं होती थी, तो वो सूर्य को देखकर या फिर चंद्र, रात का जो चांद होता है उसे देखकर वो अनुमान लगाते थे कि एक्चुअल में टाइम क्या है। तो इस हिसाब से लोगों का खाने का टाइमिंग भी जल्दी हो जाता था, तो उसी वक्त वो सब चीजें कर ले, क्योंकि उनको बाकी के कोई जो कोर्स थे वो नहीं थे। आजकल हम लोगों की वर्किंग वुमेन्स है, आजकल हम लोगों के पीछे इतने सारे काम रहते हैं, हम लोग बच्चों को संभालना रहता है, और पहले क्या होता था, पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, एक औरत अगर काम कर ले तो दूसरा उसे संभाल सकता था। बट आजकल के न्यूक्लियर फैमिलीज में, आजकल के इतने हेक्टिक शेड्यूल में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। तो एक्चुअली उसका साइंटिफिक रीजन उसके पीछे यह है कि जो चीज है वो पहले के टाइम में विद टाइम वो मैनेज हो जाती थी, बट क्या वो लोग उन चीजों में मतलब उन्होंने वो चीजें हैंडल की हुई है, उन्होंने वो चीजें अपनाई है अपने यंग एज में, तो एक्चुअली वो हमें अभी बताते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन उस टाइम उनको साइंटिफिक रीजन के बारे में कुछ पता नहीं था। बट आज हम उसके बारे में बोल सकते हैं, तो जैसे बर्तन को झूठा ना रखे, हाँ ठीक है, बर्तन को हम लोग झूठा नहीं रख सकते, सब निकाल के हम लोग उसको भिगो के रख देते, नेक्स्ट डे उसको क्लीन करने में ईजी रहता है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो दिस वॉज वेरी मच इजी, बहुत बेसिक चीज थी, बट लोग इसका भी बहुत इश्यू बनाते हैं, इसको सुपरस्टिशन में बोलते हैं कि लाइक झूठा नहीं रखना चाहिए, नेगेटिविटी आती है। मैंने इस चीज को अच्छे से पढ़ा है इसलिए मैं आज आपके साथ ये चीज शेयर कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, जो लोग मानते हैं या फिर जो ये, बट मैं उसके ज्यादा डीप इश्यू में नहीं जाऊंगी, बट मेरा खुद का, और मैंने एक अपने थोड़े बहुत लोगों को जो इसको पूछा है, उन खुद का मेरा ये जो एक्सपीरियंस बोलूंगी, तो वर्किंग शेड्यूल्स में, आजकल के शेड्यूल्स में इट इज नॉट पॉसिबल, थोड़ा बहुत हो जाता है, हाँ पूरा दिन हेक्टिक शेड्यूल में रहो एंड फिर ये सब चीजें करो, नो नॉट पॉसिबल। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट में इतना देर हो गया, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। जो घड़ा रहता है, अभी जैसे समर है
समर में हम लोग फ्रिज का पानी, ठंडा पानी वगैरह यूज करते हैं, बट जनरली कुछ लोग हैं वो मटके का पानी भी यूज करते हैं। तो मटके का पानी यूज करते हैं तो एक्चुअली क्या, ठीक है अभी समर्स है, समर्स में हम लोग यूज करते हैं तो ठंडियों में वो निकाल के रख देते हैं। तो हमेशा क्या होता है, वो घड़ा जो है ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कॉर्नर पे रख देंगे तो नेक्स्ट ईयर हमें यूज आएगा, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, कुछ कुछ उल्टा रख देते हैं उसको। तो क्या होता है ना, तो अगर हम लोग उस घड़े को उल्टा रख देते हैं तो पुराने वाला या फिर जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो बोलते हैं कि उसे उल्टा ना रखे, अच्छा नहीं होता है। तो ठीक है, एक मतलब अगर हम लोग को घर के लोगों की अगर हमें बात माननी है तो इट्स ओके, हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है ये चीज नहीं है सही। तो ओके, उसके पीछे का एक्चुअली मैं साइंटिफिक रीजन अगर बोलूंगी तो क्या होता है ना, तो घड़े को अगर हम उल्टा रख भी देते हैं ना तो क्या होता है, उसके टूटने की चांसेस होते हैं, या फिर बोलते हैं कि हम लोग मतलब ऐसा बोला जाता है कि घर में भरी हुई चीजें मतलब पूरा घर भरा हुआ होना चाहिए, तो ऐसे तो हम लोग उसको उल्टा करते हैं, उसको खाली हो जाता है। तो बेसिक चीजें हैं, उसको उल्टा ना रखें, उसके कॉर्नर्स वगैरह हैं वो टूट सकते हैं, डैमेज हो सकता है। ये साइंटिफिक चीज है जो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं और इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, बट ठीक है, बेसिक एंड साइंटिफिक नॉर्मल दोनों के बारे में अगर हमने चीज को थिंक किया, सोचा उसके बारे में, तो ठीक है छोड़ के चीज को आगे करो, मूव ऑन एंड डू इट। ओके, सो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, कि रात में नाखून ना काटे। तो ये भी चीज बहुत मैंने सुनी है, सोमवार को ना काटे, शनिवार को ना काटे, रात को ना काटे। तो ठीक है, सोमवार शनिवार जाने तो छोड़ो उसके बारे में, बट रात को ना काटे ये भी एक नई चीज है। बट एक्चुअली क्या होता था ना, तो पुराने टाइम्स में उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती थी, तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होने के कारण दिखता नहीं था। तो छोटे छोटे दिया में दिखने से क्या होता था, जख्म वगैरह होने के चांसेस हो सकती हैं। तो इसीलिए उस टाइम पे बोला था, हाँ बाबा रात को मत काटो। तो लोगों ने उसको बोल बोल के हाँ रात को नहीं काटना चाहिए, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, एक्चुअली कुछ नहीं होता है। उस टाइम पे रात को दिखना नहीं था, लाइट्स प्रॉपरली सफिशियंट नहीं होती थी, इसलिए वो हम लोग को पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट अभी ठीक है, अगर सुबह जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है या फिर ऑफिस में जाना है, कोई प्रेजेंटेशन देनी है, और रात में अगर हमको पूरा करना पड़े, ग्रूमिंग करना पड़े, तो क्या करेंगे। सो अब हमारे अभी की चीज में, अभी के लाइफ स्टाइल में, इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू बी वेल ग्रूम्ड फॉर ईच एंड एवरी डे, क्योंकि हमेशा हर एक चीज में, हर एक दिन में एक नया टारगेट, नई चीज हमें अचीव करनी पड़ती है। सो इसके लिए दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आजकल के लाइफ स्टाइल में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। सो उस टाइम का इश्यू ऐसा था, अंधेरा होता था, रात में लाइट्स नहीं होती थी, तो इट्स ओके। बट अभी ठीक है, एक आध बार अगर नहीं है कुछ चीज तो वी कैन अवॉइड, बट अगर समझो बहुत सारा इम्पोर्टेंट है तो वी कैन डू इट, इट्स नथिंग एल्स। दोनों चीजों से अगर हम लोग बोले तो इट्स ओके। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, कि जनरली गर्ल्स को जो प्रॉब्लम होती है लाइक पीरियड्स की, मंथली प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पे बाहर ना निकले, 5 दिन घर से बाहर ना निकले, या फिर कुछ कुछ मैंने गांव में या फिर हर जगह में देखा है, या फिर मैं अपने बारे में बोलूंगी, हमारे यहाँ पे भी मतलब भगवान की चीजों के लिए हम 4 दिन साइड में रखा देते, मतलब बैठा देते हैं, तो कोई उसे छुएगा नहीं, कोई कुछ करेगा। अरे मुझे बोलो, छूने से क्या होता है, मीन्स ठीक है इफ यू वॉन्ट टू डू अ ट्रेडिशनल, या फिर ठीक है भगवान की पूजा करनी है वहां तक एटलीस्ट ठीक है, बट तुम लोग उसे एक कॉर्नर पे बैठा दो, उसे एकदम छुओ ही मत, एकदम कपड़ा भी टच हो जाए तो यू आर लाइक जाके नहा के आ जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, अभी वो नहीं रहा है, वो दुनिया बदल चुकी है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो प्लीज एक्चुअली मुझे बताइए, अगर एक लेडी को पीरियड्स नहीं आएंगे तो शी कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो उसे वो मातृत्व का, उसे वो मदरहुड का जो फीलिंग है वो कैसे आएगी। एंड जब बच्चे नहीं होते हैं तो यू आर डेस्परेटली आस्किंग फॉर द चाइल्ड कि हाँ ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा करो, वो करो, ये करो। एंड ये जो 4 दिन भगवान ने जो लेडी को आराम करने के लिए दिए, बट स्टिल आज की जो लाइफ स्टाइल है, आज का जो इतना भागदौड़ की जो दुनिया है, उसमें अगर ऐसा बिहेव करेंगे तो इट्स नॉट गुड। एंड इसमें वो 4 दिन न जाते, अरे वो 4 दिन में अगर कुछ बड़ी चीज या फिर बड़ा प्रेजेंटेशन, बड़ा कुछ वर्क हो तो क्या करेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। तो साइंटिफिकली उस टाइम क्या होता था, हर कोई का, अभी हमारे पास मेड्स हैं, हर एक चीज के लिए थिंग अवेलेबल है, कुक है, मेड है, हर एक चीज है, लाइक हर एक चीज के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। उस टाइम क्या होता था, ईच एंड एवरी काम जो है वो लेडीज को करना पड़ता था, एंड उसके आराम के लिए वो 4 दिन वहां पे वो देते थे। बट
ठीक है वो 4 दिन वहां पे अगर उनको दे भी दिया तो बहुत कॉर्नर में वगैरह बिठा के हाथ ना लगा के खाना पीने के लिए मतलब वो बहुत एक बड़ा इशू हो जाएगा अगर मैं उसके लिए उसके बारे में बोलूंगी बहुत एक मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंट है बट मैं उतना नहीं बोलूंगी बट स्टिल आजकल के लाइफस्टाइल में इट्स नॉट मतलब वो एक्चुअली में नहीं पॉसिबल है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पीरियड में 4 दिन अलग बैठे या फिर किसी को छुए नहीं या फिर परफ्यूम ना लगाए या फिर बाहर ना जाए नो एक्चुअली इट्स नॉट साइंटिफिकली एक रेस्ट के लिए एंड इट इज अ साइकिल वो मंथली साइकिल है जो हर एक लेडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आपने ये चीज भी नोटिस की होगी जिस लेडी को ये मंथली साइकिल नहीं होती है ना तो उसे भी बहुत ताने सुनने पड़ते हैं सो यू सी हो तो भी प्रॉब्लम नहीं हो तो भी प्रॉब्लम सो इट्स अप टू यू कि हम लोग मतलब अप टू अस कि हम लोग क्या उसके बारे में सोचते हैं तो प्लीज डोंट गो फर्दर इनटू इट तो ये है चीजें तो साइंटिफिकली एंड बेसिकली हम इस चीजों को यहीं पे खत्म करते हैं एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज जैसे कोई लेडी है अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो क्या होता है जैसे आज एक लेडी ने एक बेबी को बर्थ दिया लाइक एक जन्म दिया तो उनको क्या होता है कि लाइक 1 and 8 days सवा महीना हम लोग बोलते हैं सवा महीना लेडी को ऐसे ही मतलब ये पीरियड का टाइम भी कि बेड से उतरना नहीं है कहीं जाना नहीं है बच्चे को कहीं लेके जाना नहीं है तो उनको छूना नहीं है मतलब क्या होता है कि एक मतलब जैसे नवजात शिशु या फिर नवजात वो माँ के उसको वो बोला जाता है तो एक्चुअली में रीजन ऐसा है कि व्हेन अ वुमन और व्हेन अ लेडी इज गिविंग अ बर्थ टू अ चाइल्ड शी हैज अ न्यू लाइफ वो अपने आप में एक नया जन्म लेती एक नए शिशु को जन्म देना एक नए बच्चे को जन्म देना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट इट इज नॉट एट ऑल इजी तो ये उस लेडी का एक नया जन्म होता है और उसके बाद वो अगर एक हम बोलेंगे एक नेचुरल चीज एक लिविंग चीज अगर एक लिविंग को अगर जन्म देती है तो इट इज अ नेक्स्ट इट इज अ न्यू बर्थ सो न्यू बर्थ ऑफ अ लेडी न्यू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड दोनों का नया जन्म होता है तो क्या होता है इस ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसे बहुत ही डेलिकेटली हमें इसको हैंडल करना पड़ता है तो इसमें क्या होता है कि दे नीड रेस्ट उनको रेस्ट की जरूरत होती है कम से कम एक महीना अगर आप देखिए कोई भी ऑपरेशन होता है हार्ट का ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है ऐसे कोई बहुत छोटे छोटे ऑपरेशन होते हैं तो जनरली डॉक्टर क्या बोलते हैं एक महीना आपको बेड से उठना नहीं है 2 महीने आपको बेड से उठना नहीं तो क्यों लेडी के टाइम पे ऐसा क्यों तो क्योंकि ऐसे मैंने देखा है कि जिसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है कि हाँ 3 दिन हो गए बस 8 दिन तक आराम किया 10वें दिन काम चालू अरे नहीं शी हैज गिवन अ न्यू बर्थ टू अ चाइल्ड एंड ऑल्सो टू हर सेल्फ तो ऑल्सो शी हैज गॉट अ न्यू लाइफ तो उसे भी आराम चाहिए तो देयरफॉर एक टाइम पीरियड बना के रखा हुआ है कि 1 month and 8 days तो वो उसके लिए आराम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड उसके बाद शी कैन मूव टू योर नॉर्मल रूटीन मतलब क्या होता है रूटीन में आने के लिए उतना टाइम लगता है इसीलिए वो दिया जाता है तो लोगों ने उसको थोड़ा सा अलग से इश्यू बना के रखा है कि इतने ही दिन नहीं हाथ नहीं लगाना है भगवान को नहीं छूना अरे शी हैज नॉट अ केपेबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग एक्चुअली पूरी बॉडी को रिकवर करने के लिए उतना टाइम लगता है सो इसीलिए वो टाइम पीरियड बना के रखा है नथिंग एल्स ओके सो दीज वॉज द 5 things विच वॉज एक्चुअली डिस्कस्ड इन अ बेसिक वे एंड अ सुपरस्टिशियस वे एंड विद द साइंटिफिकली वे सो एक्चुअली इसमें ऐसा कुछ सही गलत तो मैं नहीं बोलूंगी अपना अपना खुद का जजमेंट है सो मुझे जो इसमें चीजें लगी तो वो मैंने शेयर की अगर आपको भी लगता है कि ऐसे इससे भी अलग कुछ सुपरस्टिशियस जो चीजें हैं जिसका रिलेशन साइंटिफिक चीज से भी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए एंड कि आपके कोई एक्सपीरियंस होंगे तो वो भी मुझे बताइए एंड प्लीज कमेंट कीजिए कि जो भी है या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये पॉइंट्स कैसे लगे इसके बारे में आप मुझे बताइए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड ऐसे जो आपको लगता है ऐसे वीडियो आपको किसी के साथ ऐसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो आप इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए एंड बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों तक ये सब चीजें पहुंचनी चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जितना हो सके आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेसबुक ग्रुप्स में जहां पे भी है प्लीज 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 शेयर कीजिए
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर से मैं एक बार बोलूंगी, प्लीज लाइक बटन को क्लिक कीजिए एंड हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी तुरंत 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके सब्सक्राइब करते ही बगल में एक बेल बटन आएगा तो वहां पे भी क्लिक करना मत भूलेगा, बिकॉज क्या होगा नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही और एक अच्छा वीडियो लेके आऊंगी तो वो आपसे मिस हो जाएगा, तो वो मिस ना हो इसलिए वहां पे क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल अगेन. थैंक यू एंड बाय.